हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रेया। आज मैं आप लोग के साथ नया रेसिपी स्टार्ट करूँगी। वो है खोए का पेड़ा। मैं खोआ खोआ रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ। आप होममेड भी यूज़ कर सकते हैं कि जो फुल क्रीम दूध आती है उसको जलाकर खोए बना सकते हैं। मैं आज रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ। मैं आप लोग के साथ होममेड भी खोआ यूज़ करके आप लोगों को पेड़ा बताऊंगी। चलिए आज रेडीमेड यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पेड़ा बनाना। देखिए, पेड़ा के लिए जो चीज़ चाहिए ये है खोए। ये 200 ग्राम खोए हैं। ये शुगर पाउडर है। मैंने चीनी को लेके मिक्सर में ग्राइंड कर दी हूँ, उसका पाउडर बना दी हूँ। ये 50 ग्राम पाउडर है। ये चावल का आटा है। ये मैंने ले ली हूँ, या इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बताऊँगी कि इसके कितनी क्वांटिटी मैं डालूँगी। चलिए पहले खोए को तैयार करते हैं। देखिए, खोए करने के लिए मैंने गैस जला दी हूँ। कढ़ाई गर्म हो गई, अब खोए को डाल दूँगी। इसको डालने के 1 से 1.5 मिनट तक मैं भूनूंगी। देखिए खोआ कितना अच्छा पिघल गया, घी छोड़ दिया। अब देखिए, मैं 2 इलायची है इसको कूट ली हूँ। इसका ऊपर का कवर हटा दूंगी और इलायची खाली डालूंगी। इलायची आप स्किप भी कर सकते हैं, ये तो फ्लेवर आने के लिए। अब इसी में मैं डालूंगी थोड़ा सा चावल का आटा। पहले 1 स्पून डालूंगी। पहले देखती हूँ, जितना जरूरत पड़ेगा उतना ही डालूंगी, ज्यादा नहीं। ज्यादा डालिएगा तो फिर पेड़ा हार्ड हो जाएगा। फिर 1 चम्मच डालूंगी, बस थोड़ा और डाल देती हूँ, बस अब नहीं डालूंगी। 2.5 स्पून डाली हूँ, 2.5 से कम। देखिए अच्छे से चावल का आटा इसमें मिक्स हो गया। अब गैस को ऑफ कर दूंगी और जो शुगर पाउडर है उसको मैं डाल दूंगी। गैस ऑफ करने के बाद डालिएगा। ये सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए, ये मैं हल्के हाथों से गर्म में ही इसको पेड़ा का शेप दूंगी। आपके पास पेड़ा का डिजाइन का सांचा होगा तो आप उससे भी बना सकते हैं। मेरे पास सांचा नहीं है, मैं हाथ से इसको डिजाइन दूंगी। देखिए कितना घी छोड़ रहा है। अब मैं थोड़ा छोटा छोटा करके देखिए, मैंने 1 पेड़ा का शेप दे दिया है। मेरे पास साचा नहीं है इसलिए प्लेन बन रहा है। आपके पास साचा हो तो साचा से बना लीजिएगा। देखिए इसी तरह से मैं सारे पेड़ा को बना लेती हूँ। देखिए मेरा खोआ का पेड़ा रेडी हो गया। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। देखिए मेरा खोआ का पेड़ा कितना अच्छा हो गया। देखिए इतना 200 ग्राम खोए में कितना सारा पेड़ा बन गया। ये रेसिपी आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज कमेंट्स करके बताइए कि हाँ कैसी लगी। ओके बाय।